नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत उमरारी में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत मंगलवार की सुबह सूर्यकुंड तालाब, निभा तालाब सहित प्राथमिक विद्यालय परिसर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित सिंह व प्रधान पुत्र दिनेश राठौर, क्षेत्रीय लेखपाल राहुल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में 1000 फल एवं छायादार पौधों को लगातार वृक्षारोपण कार्य किया गया। वहीं ग्राम पंचायत पिपरी में प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा की उपस्थिति में 200 पौधों को लगाकर वृक्षारोपण कार्य किया गया। मौके पर मौजूद वृक्षारोपण के पश्चात लोगों ने पौध संरक्षण की शपथ ली। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा ने लोगों से कहा कि वृक्षारोपण की असल परीक्षा अप्रैल और मई महीने की भीषण गर्मी में होती है, जब सिंचाई के अभाव में बेतहाशा पौधे सूखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में विगत वर्षों में लगे 40 से अधिक पौधों की सिंचाई करके बचाया गया है, यह खुशी की बात है। इसी कड़ी में ब्लॉक की ग्राम पंचायत 860 में वर्तमान प्रधान तेजपाल वर्मा की उपस्थिति में जूनियर हाई स्कूल सहित ग्राम समाज की अन्य जगहों पर लगभग 550 पौधों को रोपित किया गया। मिशन 35 करोड़ के तहत ग्राम पंचायत गिरधरपुर के प्रधान प्रतिनिधि राहुल मौर्य की उपस्थिति में रैन बसेरा, निमौस बाबा आदि स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं क्षेत्रीय लेखपालों के अनुसार अब वृक्षारोपण अभियान के तहत रोपित पौधों की जियो ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ब्लॉक के भेनगांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान में खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने अपने उद्घोष में कहा कि सांसें हो रही कम, वृक्ष लगाएं हम। इस मौके पर अध्यक्ष प्रभाशंकर, प्रांतीय मंत्री अजय सिंह, महामंत्री विनोद सिंह, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, मंत्री हेम सिंह, उपाध्यक्ष राहुल कुमार, कुलदीप मिश्रा, योगेश वर्मा, अरविंद भार्गव, अनिल यशवी, राजीव, ब्रजेश कुमारी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान ब्लॉक के सभी कार्यालयों, विद्यालयों एवं संस्थाओं में खबर लिखे जाने तक पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। जीबीएन 24 न्यूज के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमित सिंह है। कहाँ रहते हो? उमरारी ग्राम पंचायत। प्रधान प्रतिनिधि हो? जी। आज वृक्षारोपण पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की मंशानुरूप कराया जा रहा है। जी जी। तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने पौधों का रोपण किया गया है, जरा उसके बारे में अवगत कराएं और कहां कहां किया गया है? जी, आज हमारे ग्राम पंचायत में हमारे ब्लॉक कोथावा वीडियो साहब के संरक्षण में सेक्रेटरी साहब के निर्देशानुसार हमें 3000 के आसपास जो पेड़ मिले, वहाँ से कल परसों पेड़ लेकर आया। आज हमारे यहाँ सूर्यकुंड तालाब पे, निभा तालाब, प्राथमिक विद्यालय गौशाला और पंचायत भवन के आसपास जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ पे लगाने का हमारा आगे टारगेट है। 3 दिन के अंदर हमें 3000 पेड़ लगाने हैं और जिसकी देखरेख के लिए आगे आदमी रखे जाएंगे और इन पेड़ों को सुरक्षित संभाल कर चलाया जाएगा, जो आने वाले समय में ये हमारे जीवन के लिए और समाज के लिए अच्छे साबित होंगे। आपका मानना है कि पर्यावरण इससे अच्छा होगा, बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। जी, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल मौर्य जी। आज हमारे यहाँ वृक्षारोपण। कौन सी ग्राम पंचायत है? गिरधरपुर विकास खंड कोथावा। ये क्या हो रहा है आज? जी, आज वृक्षारोपण हो रहा है, जो हमारे यहाँ जो पर्यावरण सुधार के लिए अच्छे पर्यावरण हो, अच्छा वातावरण मिले। कितने पौधे लगाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत में आपके द्वारा? 2815 पौधे। ये पौधे कहाँ से आए हैं? कामीपुर से आए थे। किसके द्वारा? शासन द्वारा या आपके द्वारा? जी, शासन द्वारा। कब तक लगाए जाएंगे ये? 7 तारीख तक लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाते हैं पौधे? ये पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारे वातावरण सही रहे, हमें जो हर प्रकार बीमारियों में काम आते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें। क्या लगाने के बाद इनको बचाया जाएगा या लगा करके छोड़ दिया जाएगा, भूल जाया जाएगा? नहीं, लगा के देखा जाएगा, पानी डाला जाएगा और प्रतिदिन इनमें जो है देख रेख की जाएगी, संरक्षित किया जाएगा।